Hello students, I am Dr. Lata Agarwal. Today we are going to discuss about the architecture synthesis. इससे तात्पर्य है कि जब सल्तनत काल में इस्लाम संप्रदाय के लोग आए और मुग़ल काल में मुग़लों ने जब भारत में प्रवेश किया तो जब उनको राजनीतिक स्थायित्वता प्राप्त होने लगी तो उन्होंने ईरानी और हिंदू मुस्लिम शैली के हिसाब से उन्होंने समन्वय स्थापित कर वास्तुकला स्थापत्य कला को स्वरूप प्रदान किया। मुग़ल वास्तुकला फारसी तुर्की ईरानी मिडल एशिया और भारतीय वास्तुकला से समन्वित हुई और मुग़ल शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। फर्ग्यूसन के अनुसार मुग़ल शासकों की निर्माण शैली भारतीय और हिंदू के समन्वय से ही विकसित हो पाई थी। इस विदेशी कला ने भारतीय कला को भी प्रभावित किया और यह कला उत्तरोत्तर धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस कला को सर्वोच्चता या इस कला का अत्यधिक विकास अकबर से प्रारंभ होना माना जाता है। मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर को दिल्ली और आगरा को तुर्क व अफगान सुल्तानों की निर्मित इमारतें पसंद नहीं आईं, इसलिए उसने ग्वालियर में मानसिंह व विक्रमाजीत के महलों की स्थापत्य शैली से प्रभावित होकर एक समन्वित शैली को का विकास किया। अकबर के शासनकाल की सबसे पहली इमारत दिल्ली के में हुमायूं का मकबरा था। उसने इस मकबरे में लाल पत्थरों का प्रयोग किया, बलुआ पत्थरों का, और उसने इस मस्जिद को समन्वित स्वरूप प्रदान किया। मुग़ल वास्तुकला पहली बार अकबर काल के शासनकाल के दौरान विकसित हुई फली फूली, जहां भवन निर्माण सामग्री का व्यापक निर्माण होने लगा। हुमायूं का मकबरा, अकबर के पिता का बलुआ पत्थर का मकबरा मुग़ल वास्तुकला के इस काल के दौरान बनाया गया। वास्तुकला शाहजहाँ के समय में स्वर्ण काल था, और यही नहीं, उसने लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग करना शुरू किया, जिसमें ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल को समर्पित किया। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल वास्तुकला में गिरावट आई। बच्चों, आपके एक क्वेश्चन आता है, पेट्रा जूरा, वट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रा जूरा? वास्तुकला का निर्माण करते समय सामान्य रूप से कठोर और बारीक पत्थर, जैसा कि जड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इमारत में इस्तेमाल होने वाले जो नरम पत्थर से अलग होता है उसे पेट्रा जूरा कहते हैं। इसमें इसकी वास्तुकला में अर्थात मुग़ल वास्तुकला में जालियों का भी अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल वास्तुकला भारतीय की तुलना में अधिक फारसीय बन गई। लाहौर में जहांगीर की महान मस्जिद फारसी शैली का उदाहरण है, जो तामचीनी टाइलों से ढकी हुई है। आगरा में इत्माद उद्दौला का मकबरा 1628 में पूरा हुआ, जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। चित्र बनाने के लिए कटे और सज्जित अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का प्रयोग करना एक झरना जो पेट्रा जूरा मोज़ेक में सजाया गया। शाहजहाँ की दृष्टि से दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा के किले के भीतर स्थित मोती मस्जिद और लाहौर के किले में स्थित शीश महल का चित्रण करते हुए एक सुंदर वास्तुकला का परिचय दिया। पेट्रा जूरा PIETRADURA पेट्रा जूरा जटिल दर्पण काम करते हैं। शाहजहाँ की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि उसकी निर्विवाद ताजमहल है, जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, और यह अमूर्त रूप कुरान से छंद रूपांकन निष्पादन प्लास्टर नक्काशी सारे काम इसमें शामिल है। आंतरिक सजावट में अर्ध कीमती रत्नों का भी
प्रयोग किया गया। साथ में प्राकृतिक दृश्यों को चित्रांकित कर फूलों के साथ उन्हें सजाया गया। औरंगजेब के बाद में वास्तुकला प्लास्टर अलंकरण के साथ ईंट और मलबे ने पसंद के निर्माण की सामग्री के रूप में चौकोर पत्थर और संगमरमर को ही बदल दिया। औरंगजेब लाहौर किले को जोड़ने के लिए 13 फाटकों में से एक का निर्माण उसके लिए नामित किया गया। बादशाही मस्जिद का निर्माण हुआ जो ईंट से लाल बलुआ पत्थर के साथ बनाया गया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला में गिरावट हुई और धीरे धीरे दोनों का समन्वित स्वरूप पतनोन्मुख होने लगा। इस प्रकार मुगल स्थापत्य कला अकबर के राज्यकाल से विकसित होकर शाहजहाँ के काल में अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंची और औरंगजेब के काल में धीरे धीरे पतनोन्मुख होने लगी। धन्यवाद।